রক্তদান জীবনদান, মূলত এই ধারণাকে পাথেয় করেই করোনা মহামারীর মধ্যেও রক্তের সংকট মেটাতে রক্তদানের মতো মহৎ কাজে নিদর্শন রাখল ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ফেডারেশন। রবিবার কলকাতার মালাপাড়া ক্রসিং সংলগ্ন স্থানে এক রক্তদান শিবিরে আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত এই সংস্থার যুবশ্রেণীর সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংয়ের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি আহত রক্তদাতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকো বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন। এরপর তাকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেয় সংগঠনের সদস্যরা। সঞ্জয় বক্সি ছাড়াও এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি সীমা পাণ্ডে, প্রভাত তিওয়ারি, অশোক ওঝাক, সুশীল কোঠারি, সজিন ত্রিপাঠী, গণেশ যোশী সহ সংগঠনের বহু নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন মোট 200 জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদান ছাড়াও এদিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। एक सुंदर कार्यक्रम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे पांडे जी और पांडे जी की टीम हमेशा समाज सेवा में लगी रहती है और हमारे बीच में ऑनरेबल दत्त साहब आए हुए हैं। पहले तो गेटर बड़ा सोसाइटी का उससे ह्यूमन राइट्स कमीशन के तत्वावधान में फेडरेशन के तत्वावधान में ये काम हो रहा है। इनमें बड़ा बाजार वेलफेयर सोसाइटी भी है और ह्यूमन राइट्स फेडरेशन भी है। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में घूमने के नाते ये काम समाज सेवा का जो काम करे कोई समाज के लिए उसका ही कदर होता है। आज किसी का भी नाम से कोई काम करे, आज जो ब्लड डोनेशन है और जो यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप है इसका बहुत जरूरत है और ये कोविड का समय पर ये सब ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप इसका जरूरत इसलिए है। समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसा है, फिर भी अपना आदमी जो मनुष्य समाज के लिए काम करने का तैयार है वो लोग काम करता है। इसीलिए हम लोग राजनीतिक में जुड़ने के खाते भी हम लोग इस संस्था में आते हैं, जुड़ा रहते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लोगों को मदद करना भी चाहता है, मदद भी करते हैं। बाकी हम सबको शुभकामनाएं देने आए कि भगवान सारी लोग को शक्ति दे, भविष्य में और बड़ा रूप से ऐसा कार्यक्रम लोग करते हैं। और रहा सवाल COVID-19 के लिए, सब चीज में हानि होता है, सारा विश्व में हानि हुआ, मनुष्य समाज खंड विखंड करने का प्रयास, फिर भी भैया बोलना चाहता है हमारा बंगाल में, हमारा कलकत्ता महानगर शिक्षा संस्कृति के जो शहर है, इस शहर में जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री सबको लेकर के इसको मुकाबला करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसका भी हाथ को मजबूत करने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर के जेटर बड़ा बाजार वेलफेयर सोसाइटी जो मदद करता है उसमें भी हमें आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा प्रतिष्ठान को, ऐसा संस्था को आगे बढ़ने के लिए जो कदम लेने पड़े, जिस तरीके से मदद करने पड़े हम लोग तैयार। महामारी के चक्कर में जन बचा सकता है, साथ ही साथ सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा रमजान के दिन। Gracias.